स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट अकेडमी में। मैं गौतम सर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री से लिया गया है। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति जो बोली गई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रांस की क्रांति से ही, और क्लास नाइन्थ वालों के बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो, और MCQs के साथ चलेंगे ताकि आपको MCQ में कोई भी दिक्कत ना आए। बायलिंगुअल भी बताते चलेंगे, ठीक है? अगर कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेशन में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति को जानने से पहले हम जान लेते हैं क्या क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव। क्या होता है? बदलाव, परिवर्तन। तो आखिर ये फ्रांस के अंदर बदलाव क्यों हो रहा था? तो सही है, क्योंकि फ्रांस के जो राजा थे उनका जो धन था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से खर्च हो गया था। तो उनका जो इकोनॉमिक बैलेंस था पूरी तरीके से डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से दैट्स वाई दे डिसाइडेड दैट कि अब उसको दोबारा से फुलफिल करेंगे। तो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने समाज को से क्या किया, कर्ज लेना शुरू कर दिया। अब भाई समाज को उन्होंने तीन वर्गों में बांट दिया था। पहला क्या था? पादरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलर्गी। तो भाई जो फर्स्ट ईस्ट स्टेट था क्या था, पादरी वर्ग। चलिए अब दूसरा क्या था, कुलीन था भाई। तीसरा कौन सा था, कृषक वर्ग, निम्न वर्ग बोल दो, कृषक वर्ग बोल दो, बोथ आर सेम प्रेजेंट्स। तो ये तीन जो समाज थे, अब उन्होंने गलती क्या की, लुई सोलवा ने, यहाँ के जो राजा थे, आपसे पूछा जाए भाई लुई सोलवा कहाँ के राजा हैं, तो फ्रांस के राजा हैं। तो भाई उन्होंने क्या किया, जब टैक्स लेना शुरू किया इनसे, और इनसे नहीं लिया, किससे लिया, इनसे। अब प्रॉब्लम क्या आई, कृषक से जब लिया तो उनसे क्या वो काम ज़्यादा कर रहे हैं, वेतन उनकी कम है, और उन्हें तरह तरह की स्वतंत्रता नहीं है, पढ़ाई की नहीं है, अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हैं, असमानता जैसा व्यवहार किया जा रहा है, और टैक्स भी वही दे रहे हैं। तो उन्हें उन्हें ये दिक्कत हुई कि भैया समाज के अंदर तीन लोग रह रहे हैं तो हमसे ही टैक्स क्यों लिया जा रहा है। इसीलिए वो इस सिस्टम के अंदर बदलाव चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने क्या की, आवाज़ उठाई, और यही आवाज़ क्या कहलाई, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस के लोगों द्वारा चलाई गई जो आंदोलन था उसे क्रांति का नाम दिया गया, ताकि वहाँ के सिस्टम के अंदर बदलाव आए, क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पहले राजा का शासन था। इसीलिए जहाँ पर राजा का शासन होता है वहाँ पर क्या होता है, वो उन्हीं का अत्याचार करता है, क्योंकि राजा ही सब चीज़ होता है। बोलते हैं फ्रांस इतना गरीब कैसे हुआ, लगभग 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए, और उन्होंने एक जन सेना का गठन किया। हथियारों की खोज में वो बहुत सी सरकारी भवनों के जबरन प्रवेश कर दिए। तो ये उस टाइम का टाइम बता रहे हैं। तो आखिर जो इसकी कंडीशन है फ्रांस की, ऐसी क्यों हुई? कहा जाता है फ्रांस की क्रांति के अंदर इतना दिक्कतें इसलिए आई, क्योंकि कहा जाता है लुई सोलवा ने, फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को एक साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता दी थी, और इसके अलावा युद्ध के चलते उन्होंने 10 अरब लीबरे से अधिक खर्च किया था, और जब उन्होंने पैसा दिया तो वो पैसा उनको मिला नहीं, तो ये एक दिक्कत हो गई। सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे। अब भाई फ्रांस से कितने लगे, 10% क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। अब भाई वो कहाँ से लाए, तो उन्होंने ही तरकीब सोची, भाई हम क्या करेंगे, कर को बनाएंगे। और कर उन्होंने क्या किया, ये जो यहाँ पर तीन वर्ग हैं हमारे, आपको दिख जाएंगे, थ्री स्टेट, ठीक है? तो पहला हमारा क्या है, पादरी वर्ग, जो कि क्या होते हैं, चर्च के फादर होते हैं। दूसरे क्या है, जो ज़मींदार होते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है। और तीसरे क्या है, कृषक वर्ग, जो छोटे छोटे निम्न व्यापारी, ये सारे वकील, टीचर, सारे क्या होते हैं, कृषक वर्ग होते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं जो ये टैक्स लेते थे, टैक्स कौन कौन से होते थे। टाइट, टाइट को क्या बोलते हैं, धार्मिक कर। क्या बोलते हैं, धार्मिक, जो धर्म पे लिया जाता था, ठीक है? ये किसानों से वसूले जाते थे। और एक क्या है, टाइल। क्या है, टाइल, प्रत्यक्ष कर। तो टाइल जो थे दो प्रकार के होते थे, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष किस पे लेते थे, नमक, इन सभी चीज़ों पे, ठीक है? और भूमि पे क्या लेते थे, अप्रत्यक्ष कर दो तरीके के हैं, कौन से, नमक और तंबाकू पे ले लिया जाना, और प्रत्यक्ष कर कौन है, जो डायरेक्ट लिया जाता लैंड पे, ठीक है? तो टैक्स जब लेना शुरू किया, देखो ये राजा हैं, और राजा किस तरीके से, जो ये व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, अपना टैक्स क्या कर रहा है, पे कर रहा है, किसको, तो
तो ये राजा को क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है, क्लियर है। अब आते हैं, ये स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं चली। जीने का संघर्ष 1715 में 1.5 करोड़ आबादी, जो कि 1789 में कितनी हो गई, पहले क्या थी 2.3 करोड़ आबादी थी, फिर कितनी हो गई 2.8 करोड़ हो गई। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई, क्योंकि भाई पहले अनाज की कम डिमांड थी, अब जनसंख्या बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी। तो बोलते हैं अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करता था कि कितनी मजदूरी हमें देनी है। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ी, मतलब क्या हुआ, जो मजदूरी है, जैसे महंगाई बढ़ रही है तो वैसे मजदूरी सैलरी नहीं बढ़ रही, दिक्कत ये हो रही थी, और टैक्स भी ले रहे थे आप। तो ये कहीं ना कहीं इसी ने क्या कर दिया, एक तरीके से क्रांति का उदय शुरू हुआ। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषकर अंत की कल्पना की और उन्होंने 18वीं शताब्दी में एक नए सामूहिक समूह का उदय किया जिसके मध्य वर्ग कहा जाता है, और उन्होंने तरह तरह की मांग की। किस किस की मांग की उन्होंने, सभी समूह ने मिलकर जो समूह बनाया, ग्रुप बनाया, तो इन्होंने सरकार से क्या मांग की, सरकार से इन्होंने डिमांड की क्या, स्वतंत्रता, समानता और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज को परिणाम जॉन लॉक और जॉन लॉक रूसी दर्शकों ने प्रस्तुत की। तो अपने तो ये दो लोग हैं, जॉन लॉक क्या हैं, हिस्टोरियन हैं, मतलब इतिहासकार हैं। तो इन्होंने अलग विषय बताया है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, स्वतंत्रता, समानता। लेकिन का इसके अंदर दो बुक है, एक तो ये मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा, द रिपब्लिक ऑफ द लॉज, तो ये बुक किसकी लिखी गई है, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। अब आते हैं, उन्होंने बोला तो धीरे धीरे लोगों ने अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया, क्रांति की शुरुआत हुई, और ये क्रांति इतनी बढ़ गई तो कहा जाता है जब उस समय क्या हुआ, तीसरा जनरल स्टेट बनाया गया, तो मजबूरन फ्रांस की क्रांति के अंदर क्या हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया भाई गवर्नमेंट हम इलेक्टेड बनाएंगे, लेकिन बनेगा वही नेता, कौन बनेगा, लुईस सोल्वा। लुईस सोल्वा बना, लेकिन उन्होंने क्या किया, वोट वही दे सकता है जो तो 3 दिन का क्या करेगा, टैक्स देगा। तो भाई इसके अंदर क्या हुआ, ये देखो लोग वहाँ क्या है, वहाँ पर ये वो है टेनिस कोर्ट में शपथ जब ले रहे थे उसकी पिक्चर है। और कहा जाता है 14 जुलाई को बास्टिल पर धावा बोलकर नेस्तनाबूद कर दिया गया और देहाती इलाकों में गांव का अफवाह फैल गई। जागीर मालकों ने भाड़ों पर लठोरे लुटेरों को गिरोह बुलाया है, मतलब कि उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती बुलाया है और उनको पिटवाया। लेकिन अब आप पूछा जाता है, जब ऐसी स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं चली, 1791 में क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने क्या किया, संविधान प्रारूप कर दिया। अब पूछा जाएगा भाई फ्रांस के संविधान कब आया, 1791 में आया। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सम्राट की शक्तियाँ को सीमित करना, मतलब जो राजा हैं उसकी शक्तियों क्या कर देना, सीमित कर देना, और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दे। पहले क्या थी, सारी शक्ति किसके पास थी, कानून भी वही बनाएगा, न्याय भी वही करेगा, सारे काम वही कर रहा था। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि भाई अब शक्तियों को विभाजन, जैसे हमारे भारत में है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, एक कानून बनाती है, एक उसे लागू करती है, और एक क्या करती है, जो लागू नहीं, जो उसे फॉलो नहीं करता उसे क्या करती है। तो संविधान के आने से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, आसान हुई। लेकिन 1791 में ही उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और उस समय जो आया टाइम किसका आया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के, कौन आए, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस क्या हो गया, गणतंत्र। गणतंत्र कौन होता है, जिसके संविधान आ जाता है। तो अब हमारा इसमें क्या है, सबसे पहला सत्रह सौ बानवे में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, और कहा जाता है प्रांतियों में हजारों असेंबली में सेवा में भर्ती होने लगे। कहा जाता है इसी समय एक और कवि ने बुक लिखी थी, रॉजेट दी लाइट द्वारा रचित मर्सले, ठीक है। अब इनमें इन्होंने क्या बताया, पहले तो हम आते हैं, इन्होंने क्या बनाया, जैकोबिन क्लब। क्या बनाया, किन्होंने, फ्रांस के जो कृषक तृतीय श्रेणी के जो लोग हैं उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया। और जैकोबिन क्लब क्या है, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ही जैकोबिन क्लब बनाया था। और किस लिए बनाया था, बैठक के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए, और अपनी समस्याओं का निदान किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। अब इसके मेंबर कौन कौन होते थे,
जैकोबिन में एक बड़े वर्ग के गोदी कार्यकारकों के बारे में कौन कौन होते थे? तो कहा जाता है इसके अंदर जूता बनाने वाला, फैक्ट्री बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीबाज, छपाई करने वाले आदि जैकोबिन क्लब के क्या थे? मेंबर थे। और इसके नेता कौन थे? मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर। कौन थे? मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर। तो बोलते जैकोबिन सो कुलाक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सो कुलाक। मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ठीक है। अब जैकोबिन क्लब के अंदर बोला गया खाद्य महंगाई एवं अभाव के नाराज पेशियाई, मतलब हिंसा विरोध के बारे में आवाज़ उठाई जाती थी। तो ऐसे ही में जब इसके नेता जो थे जैकोबिन क्लब के रॉबेस्पियर, उन्हें क्या बनाया गया? वहाँ का राजा बना दिया गया। तो उस समय क्या आया? एक राज आया जिसे क्या नाम दिया गया? आतंक राज, रीजन ऑफ टेरर बोलते हैं। तो ये टाइम पीरियड है 1793 से लेकर 1794 का, जिस समय रॉबेस्पियर गया थे वहाँ के नेता थे, और उन्होंने इतने हार्ड रूल बनाए जो कि वहाँ के लोगों से फॉलो नहीं हो पाए, क्योंकि जो भी गलती करता था बोला गया उन्होंने दोषी पता गुलोटिन में चढ़ाकर उसका सिर कलम, अगर पता चल गया कोई दोषी है तो उसको सीधा। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी कीमतों को अधिकतम सीमा तय कर दी, मतलब उन्होंने क्या कर दी? मजदूरी की एक सीमा तय कर दी कि इतना ही मिलेगा। पाव रोटी को राशन पे कर दिया, किसानों को अपना अनाज शहरों से लेकर जाकर सरकार द्वारा कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, मतलब वो बेच नहीं सकते। तो ये त्रिश दिक्कतें आने लग गई। तो उन्होंने कि रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने, मतलब उसके जो उसके समर्थक थे वो भी उसकी बुराई करने लग गए। और 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके उसके अगले दिन ही उसे गिलोटिन में चढ़ा, जो उसने बनाया था उसी के अंदर उसको। ठीक है, फिर आते हैं डिक्टेटरी शासित फ्रांस। जैकोबिन शराब सरकार के जैसे ही ख़त्म हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? तो वह जैकोबिन शराब जो ये है, सरकार के पतन होते के साथ ही मध्य वर्ग के संपन्न तबके के लोग क्या हुए? उभर कर सामने आए। अब ये कौन है? नए संविधान के तहत सत्ताहीन तबके के मताधिकार के वंचित कर दिया गया था। जो सत्ताहीन थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डिक्टेटरी जो को नियुक्त किया गया, और कहा जाता है इसी समय उन्होंने क्या किया? डिक्टेटरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था, उन्हें बहिष्कृत करने की चेष्टा करती थी डिक्टेटरी बनाई गई ताकि वो ध्यान कानून वगैरह बनाते थे। अब आते महिलाओं के लिए क्रांति क्यों हुई? पहले महिलाओं को समान अधिकार, पहले महिलाओं कुछ ही काम के लिए क्या रहती थी? जानी जाती थी। जैसे वो क्या करती थी? महिला जीविका निर्वाह के लिए वो क्या करती थी? काम करती थी, सिलाई बुनाई, कपड़े धुलाई, बाजारों से फूल वगैरह बेचती थी। संपन्न घरों में घरेलू काम, मतलब कि बड़े बड़े घरों में क्या करती थी? खाना बनाने का काम करना। इसके अलावा अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यवसाय प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, और कहा जाता है थर्ड स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियाँ कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, उनके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। तो इन लड़कियों ने क्या किया? आंदोलन छेड़ा। किस लिए? ताकि इनको भी समान अधिकार मिले, इन्हें भी अवसरों की समानता मिले, इनको भी वोटिंग राइट्स मिले। तो इन चीज़ों की डिमांड इन्होंने, ठीक है, तो ये महिला को देख, तो इनकी एक बुक भी है, बुक लिखी है किसने? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, मैसूर क्लब। ठीक है, याद रखना इन्होंने ही किया था। ये इसी बुक के अंदर महिलाओं के बारे में बात कही गई है, और कहा जाता है जब महिलाओं के बारे में बात की गई तो उन्हें राजनीतिक अधिकार के साथ साथ सभी चीज़ों के अधिकार, समान वेतन भी। पहले क्या होता था? मान लो अगर मैं स्त्री हूँ तुम पुरुष हो, अगर हम एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो मुझे कम सैलरी मिलती थी और आपको, तो महिलाओं ने, मैंने क्या किया, इसके लिए भी आवाज़ उठाई, तो क्या हुआ, इनके लिए बराबर मिलना शुरू हुआ, और यही क्रांति वहाँ से लेकर भारत तक आई। तो इसी में एक नाम क्या, ओलंपेदा गूस। क्या नाम है? ओलंपेदा गूस, जो कि क्रांतिकारी के नाम से फ्रांस के अंदर महिलाओं के नाम में सबसे बड़ा नाम आता है इनका। किन का? ओलंपेदा गूस। क्लियर है? जिन्होंने महिलाओं के महत्वपूर्ण और संविधान और पुरुष नागरिक अधिकार की घोषणा पत्र पर विरोध किया, और उन्हें महिलाओं और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया जिसमें महारानी नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास मांग करती है कि उन्हें भी पुरुषों के समान क्या मिले? वेतन, अधिकार।
अब देखो ये है लंपेदा गूज, औरत जन्मतः स्वतंत्रता है और अधिकारों के पुरुष के समान है। मतलब इन्होंने ये सारी चीज़ दलील पेश की मजिस्ट्रेट के सामने। फिर आते दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म होती चली गई। बोले जैकोबिन शासन के क्रांतिकार समाज सुधारक में एक था। बोलते हैं फिर उसके बाद मार्टिन गोलोलेप तंबाकू नील चीनी कॉफ़ी जैसे वस्तु महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित दूर देशों जाने का और काम करने के प्रति यूरोपीय अनिच्छ मतलब था कि बागानों के श्रम में कमी, मतलब ये ज़्यादा दूर तक अपना सामान नहीं भेजते थे। तो इनका मीडिएटर कौन था, नेपोलियन। तो वो कब आया, 1804 में, जिसका कोड है। तो वो एक प्रकार से मीडिएटर था, वो एक नए कानून लेकर आया वहाँ के लिए, नई मजबूती लेकर आया, नया कानून लेकर आया ताकि वहाँ का विकास हो सके। तो क्या कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया जी ना, तो नेपोलियन ने क्या किया, उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, दशमलव प्रणाली। क्या लेकर आए, दशमलव प्रणाली। और एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोग नेपोलियन मुक्तिदाता लगते थे, मतलब सभी को क्या लगते थे, नेपोलियन क्या है, हमें मतलब जीवन में आनंद की ओर लेके जाएंगे। लेकिन बाद में उन्हें क्या लगा, फिर ये क्या हुआ है, वाटरलू युद्ध हुआ 1815 में, उसमें क्या हो गई ये ख़त्म। यही तो फ्रांस की क्रांति शुरू क्यों हुई, उनके तीन स्टेट कौन से थे, कौन कौन से टैक्स लिए जाते थे, टाइल और टिथ, ठीक है। और टाइल भी दो तरीके के होते थे, कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट लगाया जाता है तंबाकू पर और नमक पर, ठीक है। फिर उसके बाद रॉबेसपियर के जो आतंक का राज, जो कौन सा कहा जाता है, 1793 से लेकर 1794 का टाइम पीरियड आतंक का राज, जो कि उस समय मैक्सिमिलियन रॉबेसपियर ने क्या कहते थे, कड़े नियम कानून बनाए थे, जो कि उनके समर्थन भी उनसे क्या थे, नाराज़ थे, ठीक है। वो चीज़ बतानी है आपको, क्लियर है। महिलाओं का क्या योगदान रहा और नेपोलियन का पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त।